on, coffee's on, I mowed the lawn, impressing Sean, so connected, so effective, I let it drop, clean it up, heat and smart, I do my part, get in the car, superstar, they're watching me, IOT, 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 I check my stock, what a shock, buy some prawn, my oven's on, coming home, future zone, all for me, IOT, 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 Jai Hind dosto, IOT, live like a Bosch, with many connectivity, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द यंगिस्तान कैपिटल पे। शुरुआती वीडियो देखने के बाद आपने तो गेस कर ही लिया होगा कि आज हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया है आपने, वो है IoT के बारे में, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर IoT क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इंडिया और वर्ल्ड में IoT आगे जाके क्या क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, और कैसे एक पर्सन IoT फ्रॉम स्क्रैच सीख सकता है और उसके बाद पैसे कमा सकता है। आज मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि IoT आखिर होता क्या है। देखिए, अगर कोई दो डिवाइस आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे का डेटा आपस में इंटरचेंज और एक्सचेंज करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी को हम IoT कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि स्मार्ट वॉचेज़ आजकल जो काफ़ी एक पॉपुलर हो रहा है, ये भी एक IoT का एग्ज़ाम्पल है। ये आपका स्मार्टफोन से कनेक्टेड होता है, आप इसे रिस्ट में पहनते हैं, वो आपका सारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, आपने कितने देर की नींद ली है, आपका कितना कैलोरी बर्न हुआ, ETC सारी जानकारी आपको मोबाइल के थ्रू देता है। और भी जैसे एग्जांपल हैं IoT के काफ़ी पॉपुलर, आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि होम सिक्योरिटी अप्लायंसेस काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, ये सारा भी IoT पे वर्क करता है। हमारे इन सारे फील्ड्स के अलावा भी जैसे एग्रीकल्चर का फील्ड है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन का जो फील्ड है, हेल्थ केयर और मेडिसिन का जो फील्ड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फील्ड, ये सारे चीज़ों में IoT टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। IoT एक ऐसा विलक्षण टेक्नोलॉजी है कि आप फोन के टाइम मोबाइल के में 2019 के बारे में बात करना ठीक बिल्कुल वैसा ही है कि कोई 1970 या 1980 में इंटरनेट के बारे में बात कर रहा हो। बिल्कुल आपने सही एनालॉजी बैठाया है कि आगे आने वाले 10 या 20 सालों में पूरे वर्ल्ड पे IoT एक डोमिनेंट टेक्नोलॉजी बनकर के उभरेगा। नैसकॉम के ही अकॉर्डिंग इंडिया के 60% स्टार्टअप्स IoT बेस्ड हैं। हमारे पास एक काफ़ी रिलेवेंट डेटा है जिसके अकॉर्डिंग 2015 तक ही IoT टेक्नोलॉजी पे 60 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट कर दिए जा चुके थे और आगे ये इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। आप IoT लर्न करने के बाद खुद का स्टार्टअप बना सकते हैं या डिफरेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना करके अलग अलग कंपनी या एजेंसीज़ को बेच सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमने बता दिया कि IoT आखिर होता क्या है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और आगे जाके इसमें क्या पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी में। अब हम आपको बताएंगे कि एक स्क्रैच से एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान IoT को कैसे सीख सकता है। बोलने को तो कहा जाता है IoT के बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेट करते हैं, मगर कोई सा भी एक नॉर्मल इंसान, वो 10th में हो या 12th में हो या किसी दूसरे स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहा हो या किसी भी अदर इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, वो भी एक IoT सीख सकता है। और उसके क्या प्रोसीजर हैं वो हम आपको नेक्स्ट में बताने वाले हैं। चलिए ऑब्जर्वेशन की वीडियो बनाते हैं। अबे गार्ड अंदर नहीं जाने देगा। आई विल मैनेज। किसका है ये तुमको इंतजार में होना। अरे थोड़ा सा भैया, चले भाग भाग, चल चल भागे। अरे सर वो मैं दुनिया तेरी छोड़ चला।
सो गाइज, हम अपने वीडियो के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप आखिर आईओटी सीखने के स्टेप्स क्या हैं, आप भी एज अ नॉर्मल पर्सन आईओटी कैसे लर्न कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन है कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको काफ़ी फाड़ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, काफ़ी फाड़ इलेक्ट्रिकल का नॉलेज चाहिए। आपको बस चाहिए कि आपको सेंसर्स का नॉलेज हो कि कैसे किस सेंसर का एप्लीकेशन क्या है, किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का क्या एप्लीकेशन है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। और इसके बाद आपने अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लर्न कर ली तो स्टेप नंबर टू होता है कि आप एक एम्बेडेड सिस्टम लर्न करें। एम्बेडेड सिस्टम लर्न करने का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को हैंडल करता हो। फॉर एग्जांपल आर्डिनो का पोर्ट आपको अमेजोन पे देख लीजिए, 400 रुपया का वो पोर्ट आपको मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आप काफ़ी सारे इनोवेटिव आईओटी के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आर्डिनो के ट्यूटोरियल चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, एडेक्स पे, यूडेमी पे, ये सारे साइट्स पे आर्डिनो के काफ़ी सारे हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने एक बार आर्डिनो लर्न कर लिया तो आप एक स्टेप आगे और भी जा सकते हैं, जिसे कहते हैं रसबेरी पाई। ये आर्डिनो से ज़्यादा पावरफुल होता है और आपके जो इनोवेटिव आइडिया है इसको प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छा ब्रिज प्रोवाइड करेगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लिया, आपने आर्डिनो और रेसबेरी पाई सीख लिया, तो आपने एक थिंग क्रिएट कर दिया, पर एक्चुअली आपको उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, तभी वो बनेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट से किसी भी ये सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आपको क्लाउड्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ये काफ़ी बेसिक है, ब्लिंक, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है और AWS भी प्रोफेशनल के कैटेगरी में आता है। ये अगर आपने ये तीन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख ली तो आप आर्डिनो का थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास आ गया। आगे स्टेप फोर इस लर्न करने के सीढ़ी में है कि आपको एक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तो आप प्रोजेक्ट्स कहाँ से आपको मिलेंगे, ऐसा इनोवेटिव आइडिया एकदम से आ जाना पॉसिबल नहीं है। तो एक साइट होता है hackster.io, इस साइट्स पे आपको काफ़ी इनोवेटिव और हेल्पफुल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिसके दम पे आप अपने आईओटी के स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं और तराश सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 90% स्किल्ड हो चुके होंगे आईओटी में, बस आपको ताबूत में लास्ट कील ठोकना है। और ये करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे जर्नल्स पढ़ते रहने होंगे, और उसे कुछ साइट्स हैं जैसे कि hackster.io, बॉश का साइट, ये आईओटी फॉर एवरीवन, ये सारे साइट्स पे आप हेल्पफुल जर्नल पढ़ते रह सकते हैं। नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ और उभर के आ रहे हैं इस फील्ड में उसके बारे में जानते रह सकते हैं और अपना नॉलेज और इम्प्रूव कर सकते हैं। एडेक्स, यूट्यूब, ये सारे NPTEL के वीडियोज़ देख देख करके आप अपने स्किल को और ब्रशअप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइज हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वाले वीडियोस फ्यूचर में भी लाते रहें। एक्स्ट्रा शक्कर डाला है कि नहीं? आई आई आई